नमस्कार, दैनिक सवेरा हलचल के सांझे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं विनू ढिल्लो जी और डायरेक्टर साहब हैं ये पंकज बत्रा जी, हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं। आज हम बात करेंगे कुछ राजनीतिक मुद्दों को लेकर और इनकी आगामी जो फिल्म अभी रिलीज होने वाली है चन्नो कमली यार की। स्वागत है आपका। थैंक यू जी। सत श्रीकाल। विनू जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आजकल जो पॉलिटिशियंस हैं जी, वो तो नेतागिरी करते ही हैं जी, एक एंटरटेनर है वो भी नेतागिरी करने पर उतारू हो गए हैं, इसके पीछे वजह क्या है? नहीं, वजह तो एक्चुअली निजी तौर पर बंदे परसन टू परसन डिपेंड करता जी। है किसी बंदे लगता होंगे भी मैं समाज में वधिया सुधार सकता जां मैं समाजिक जिहड़ियां कुरीतियां ने उन्हां नूं दूर कर सकता, तो निजी मसला है मेरे हिसाब नाल। पर जिहड़ा एज बतौर एक्टर जे मैं गल करां तां जिहड़ा एक्टर हुंदा जां आर्टिस्ट हुंदा जां कोई कलाकार हुंदा उह सारी दुनिया दा हुंदा, सांझा हुंदा, उहदी कोई जात नहीं हुंदी जी, कोई मजहब नहीं हुंदा जां किसे पार्टी नूं बिलोंग नहीं करदा हुंदा। ते मैं समझदा वी जिहड़े आपदी आपदी बित मुताबक है, जिहड़ा आपदी मुताबक तुसीं सोचदे हो आपदी इनर है उहनां दा जी। चलिए, मैं इस टॉपिक पे थोड़ी देर बाद हम चर्चा करते हैं, हमारे पत्रकार हैं साथ में। बिल्कुल जी, साडी हुण 19 फरवरी नूं रिलीज़ है जी फिल्म चन्नो कमली यार दी, नीरू बाजवा एंटरटेनमेंट एंड मिस्ट्री मैन प्रोडक्शन दे वल्लों उहनां दी पहली फिल्म है जी। नीरू बाजवा उहनां ने बनाई है जी, ते पंकज बत्रा जी ने डायरेक्ट कीती है। इहनां नाल मैं 3-4 फिल्मां पहलां कर चुके हां। थोड़ा सा फिल्म के बारे में बताएं जी। फिल्म इह एक पिंड तों स्टोरी शुरू हुंदी है जी, पेंडू करैक्टर है जी मेरा भी, ते नीरू बाजवा दा नाम चन्नो है, ते मेरा फिल्म दे विच नाम ताजी है जी। ते इह मुंडा जिहड़ा इंतहा प्यार करदा है चन्नो करैक्टर नूं जी, वन साइडेड लव है जी, पर ओह मैरिड है किसे होर बाहर बंदे, जिवें एनआरआई नाल ब्याह हुंदे सीगे ते ओह पिछे मुड़ के पता ही नहीं लैंदे सी, ब्याह करा के उधर बैठ गए है ना जी। तो उसे सिलसिले लै के मूवी है, क्योंकि पंजाब ने त्रास दी बड़ी सही है यह सारी जी, जी। ते किन्ने किन्ने साल आपां देखिया, कई एक दहाका पहला यह सारी पासपोर्ट नाल ही ब्याह कर दिंदे सी पहला है ना जी। तो किदा एक जर्नी दे विच आपदा साथ दिंदा है, आपदा सारा कुछ निशावर करन दे। इसमें नया क्या है? नया बिल्कुल आही जी, बिल्कुल टोटल डिफरेंट। एक तां मैं आपदी कंसेप्ट नवा जी, कंटेंट विच हैगा, गल कहण नूं हैगी तुहाडे, ते बखो वखरी गल इह है वी मैं आपदे करैक्टर तों जिहड़े मेरे इमेज है, मैं कॉमेडी करदा रहिंदा जी हमेशा, पहलां विलन तों स्टार्ट होया, फिर कॉमिक रोल दे विच मैनूं काफ़ी प्यार मिलिया जी सारे दर्शकां दा, ते उस तों बाद हुण टोटली आपदी इमेज तों हट के एक डिफरेंट करैक्टर करन दी कोशिश कीती है जी। मद्देनजर रखते हुए भी इको मैं हार्ड कोर फिल्म दे दा मेरे ते सीरियस करैक्टर करके भी लोग कितने डिसाइड ना हो जाए, मेरे नाल जुड़े तो कॉमेडी करके हुए ने जी, है ना, सारे मैनूं उस तरीके नाल प्यार करदे ने, तां इन्हां ने दोनों शेड्स नाल नाल रखे ने। पर गल है भी वो करैक्टर दे विच लै के लहजे दे विच रह के असी कॉमेडी कीती है, जिथे 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 बनदा सी वो करैक्टर जिन्ना उहदे कोल सीगा दायरा उहदे विच रह के कीती है जी। बड़े वधिया नजरिए नाल देखदे ने फिल्म नूं, बल्कि हंडाउंदे ने, जिहड़ा डायरेक्टर है शिप दा बॉस हुंदा है ना जी, तां उहने चलाउणा हुंदा सारा कमांड, साडी इक वधिया जनरल दे हत्थ हुंदी है जदों तुसीं, तां उह सारी सैना ही जित जांदी है जी। इन्होंने कंसीव किया आइडिया आपके मन में सोचा, तो उस तरीके ना टोटली डिफरेंट तुम दस के हटा, पहला भी कंटेंट हैगा जी, ये स्टोरी कुछ कहने हैगी है, तो लैसन भी है कितने ना कि, पर सच्चे मन ना जो तुम कोई चीज चाहना रखो आपके मन के कुछ चीज पाने की लगन हो और सच्ची मेहनत की हो, ईमानदारी पिछले लगे हो, तो जरूर हासिल होंगी है। अच्छा विनू जी, किस जोनर की फिल्म किया जा सकता है? कॉमेडी है या सीरियस है या रोमांटिक है या किस तरह? सारे शेड ने जी, सारे शेड ने, टोटैलिटी एक्चुअली फिल्म कह सकते हैं आप, जो देखो फैमिली ड्रामा भी है, रोमांस भी है ना, ते थ्रिलर भी है थोड़ा जा, ते विच सस्पेंस भी है, तो यह सारी चीज़ें फुल पैकेज है, एक फैमिली पैकेज है, और तुसी इनू हरेक 6 साल के बच्चों तो लैके 60 साल के बुजुर्ग तक जी, 60 साल के जवाना तक ला लो जी, सारे नू टारगेट करूगी जी। जिधर तुसी फिल्म का टाइटल लगा चन्नो कमली यार जी, फिल्म च एक जट फैमिली है, थोड़ी जी जमीन है जी,
ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਜਵਾਨ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਗਿਆ ਟਿਕਟਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਜੀ ਵੀਜ਼ੇ ਵੂਜ਼ੇ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਲੱਭਣ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ ਚੰਨੋ ਦਾ ਅਕਸਰ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਲਮ ਮੇਕਿੰਗ ਚ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦਾ ਆਡੀਅੰਸ ਦੀ ਬਸ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਆਡੀਅੰਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੁਛ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਪਹਿਲੇ ਕਨੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਹਰ ਮੇਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਵੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਵੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਿਕਚਰ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਚੱਲੇਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਏਗੀ ਕਿਸੇ ਔਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੀ ਬਾਰੀ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਸਟੂਡੀਓ ਮੇ ਤਬ ਤੱਕ ਕੇ ਲਈ ਹਮੇ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਮਸਕਾਰ Thank you.